दोस्तों आजकल दर्शकों को एक्शन वाली फिल्मों के साथ साथ कॉमेडी फिल्में भी पसंद आती हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे अभिनेता मौजूद हैं जो अपनी कॉमेडी से एक खास मुकाम हासिल कर चुके हैं। आज उनकी कॉमेडी को दर्शक खूब पसंद करते हैं, फिर चाहे जॉनी लीवर हो या फिर राजपाल यादव। आज ये अभिनेता अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन इन अभिनेताओं के अलावा एक अभिनेता और है जिनकी कॉमेडी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। वो कॉमेडियन कोई और नहीं बल्कि अतुल परचुरे हैं, जो अपनी शानदार कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाने वाले अतुल आज कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं? अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही अतुल परचुरे की शानदार कॉमेडी के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों अतुल परचुरे का जन्म मुंबई में हुआ। अतुल हमेशा से ही जाने माने एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने इनको एक कॉमेडियन बना दिया। हम आपको बता दें कि अतुल परचुरे ने कई सालों तक एक्टिंग क्लासेस ली, लेकिन जब इनको फिल्मों में लिया गया तब इनकी एक्टिंग को कुछ खास पसंद नहीं किया गया, जिसके बाद इन्होंने फिल्मों में कॉमेडी रोल करना शुरू कर दिए। कॉमेडी रोल को दर्शकों ने खूब पसंद किया और पहली बार इनको बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में कॉमेडी रोल करते हुए देखा गया, जिसमें शाहरुख खान लीड रोल निभाते हुए नजर आए थे। इनको इनकी पहली फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला। इसके अलावा ये गोविंदा के साथ फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में काम कर चुके हैं। इस फिल्म में भी इनकी शानदार कॉमेडी देखने को मिली। शाहरुख खान और गोविंदा के अलावा इनको सलमान खान की फिल्म पार्टनर में सलमान खान के साथ देखा गया। आज ये अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, जिनमें इनकी सुपरहिट फिल्में क्या दिल ने कहा, खट्टा मीठा और आवारापन जैसी फिल्में शामिल हैं। इनकी इन सभी फिल्मों में इनकी शानदार कॉमेडी देखने को मिली, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनका सफर कुछ खास शानदार नहीं रहा, जिसके बाद इनको अपना रुख छोटे पर्दे की ओर करना पड़ा, जहाँ इनको सुपरहिट टीवी शो यम है हम में कॉमेडी करते हुए देखा गया। इसके अलावा ये आर के लक्ष्मण की दुनिया में भी कॉमेडी करते हुए नजर आए और आज इनको इनकी कॉमेडी की वजह से जाना जाता है। लेकिन बीते कुछ सालों में अतुल परचुरे काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। ये पहले से ज़्यादा मोटे नज़र आते हैं, जिसकी वजह से इनको पहली नज़र में पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कॉमेडी से इन्होंने अपना नाता आज भी नहीं तोड़ा। आज ये टीवी इंडस्ट्री में कई सुपर शो में कॉमेडी करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आप सभी को अतुल परचुरे की कॉमेडी कैसी लगती है, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए ना। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।